मैं आपको बता दूं कि जो एक रियल ट्रेडिंग लाइफ है ना और जो सोशल मीडिया में दिख रहा है टोटल रील है टोटल रील hmm. है ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट विनिंग ट्रेडिंग इज अबाउट वेन यू लूज हाउ टू बाउंस क्योंकि हमें जो सिखाया जा रहा है चारों तरफ से वो ये सिखाया जा रहा है छक्का मारो या आउट हो hmm. जबकि गेम है ही नहीं ये तुम टॉप का दो परसेंट छोड़ दो ना यार नहीं मैं तो टॉप पकड़ूंगा जो टॉप नहीं छोड़ पाता ना वो बॉटम पे ही निकलता है ट ग्रीडी एट दीक अब पीक कैसा है नो बडी नोज वेयर इज अ पीक लेकिन एक अंदेशा तो लग जाता है जब अंट शंट प्राइस भागते हैं उस टाइम पे आईआरसीटीसी दो तीन दिन में चालीस पचास परसेंट ये वो भाग रहा है दिखने लगता दिखने है है हाँ, 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 बिना मतलब के भादर, भाग रही हाँ, चीजें हाँ। वो सब चीज याद आने लगती है कब जब वो दौर आता है जिन लोगों ने पिछले तीन साल में गलती की है उनकी लाइफ में अगर आज स्ट्रगल होगा ना तो उम्मीद है कि उनको वो सारी गलतियां याद आ रही हों क्योंकि याद आनी पड़ेगी अगर नहीं याद करोगे तो बदल नहीं पाओगे या फिर ट्रेडिंग छोड़ दो या फिर उनको याद करो और दोबारा वो गलतियां ना हो कहने के लिए आसान है मैं तो तीन साल पहले आया मार्केट में यूट्यूबर बना और ट्रेडर बन गया सक्सेसफुल ट्रेडर बन गया कोई नहीं बना रोज प्रॉफिट कमाता हूँ रोज प्रॉफिट कमाता हूँ आजकल बहुत लोग प्रॉफिट कमाने भी लगे स्क्रीन शॉट डाल अरे उनका क्या ही है कुछ लोग तो इतना ज़्यादा कमाते हैं कि आ, आलिया भट्ट भी शर्मा जाती है <laughs> टैक्स भरने के मामले हाँ टैक्स भरने के मामले हाँ। में फिर रणबीर को मनाना पड़ता है तो मत शर्मा हो इतना तुम्हारा भी नंबर आएगा तुम भी कमा सकती हो शेयर तुम भी ट्रेडिंग सीख लो <laughs> डिप्रेशन में है कि मैं क्यों नहीं कमा पा रही हूँ लेकिन इट्स इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखाया जाता है मैं आपको बता दूं कि जो एक रियल ट्रेडिंग लाइफ है ना और जो सोशल मीडिया में दिख रहा है टोटल रील है टोटल रील है

और इस साल का जो मेरा पी है एल हाँ। मैंने वीडियो नहीं डाला है लेकिन ठीक है इस साल का मेरा पी है क्लोज टू तो सिक्स प्लस सिक्स ईआर प्लस सिक्स ईआर प्लस और मैंने और उस सिक्स ईयर में एक झटका भी है उसके बारे में अपन बात करेंगे दूसरे सेक्शन में क्योंकि उस झटके के पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो आपको ये बताएगी कि आप बार बार गिरोगे बार बार उठना पड़ेगा फाइट मारना पड़ेगा आप कितने भी बड़े चंगेज खान ट्रेडर बन जाओ उस लेवल पे भी झटके लगेंगे लेकिन झटकों से बचना कम से कम डैमेज होना और उबरना यही है वही एक्सपीरियंस भी सिखाता है ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट विनिंग ट्रेडिंग इज अबाउट वेन यू लूज हाउ टू बाउंस क्या तरीका है वो तरीका किताब में नहीं मिलेगा वो तरीका तुम्हारी पर्सनैलिटी वाइज कस्टमाइज होगा तुम्हारी पर्सनैलिटी है कि मुझे एक्सपायरी में खेलने का बहुत शौक है मुझे बाइंग ही करने का शौक है मैं सेलिंग नहीं कर सकता मेरे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है मैं कैरी कर ही लेता हूँ डेली पोजिशन ये सब तुम्हारी कस्टमाइज प्रॉब्लम्स है तो सोल्यूशन कॉमन कैसा हो सकता है सोल्यूशन भी तो कस्टमाइज होगा प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स वो सोल्यूशन भी अंदर से आएगा क्योंकि तुमने नहीं बताया कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है सोल्यूशन कॉमन होता तो सब ट्रेडर बन जाते हैं लेकिन वीडियोस जो सोशल मीडिया में है वो तो कॉमन है उसको देख के तुम कॉमन मलहम लगा रहे हो जबकि प्रॉब्लम कुछ और थी और इसीलिए लोग और दलदल दल में घुस जाते हैं और यही रीज़न है कि मैं प्रॉफिट के फोटोज़ कम डालता हूँ और डालता हूँ तो उसमें निगेटिविटी भी बताता हूँ कि क्या गड़बड़ हुई और क्या अच्छा किया हुँ, हुँ, हुँ। मैंने एक बहुत बड़ा प्रॉफिट का फोटो डाला वीडियो डाला था दो करोड़ का प्रॉफिट था वो मेरा अभी तक का बिगेस्ट है हुँ, हुँ। और मैंने उस उसी वीडियो में बोला है ना बोला हो तो मैं बहुत बड़ा क्राइम कर रहा हूँ मैंने उसमें बोला भी है कि पुराने लॉसेस थे आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ा है लेकिन वो लॉसेस मैंने आपको नहीं बताया है अगर उसको एडजस्ट करूं तो ये 1.2 के आसपास होगा इस शब्द मैंने बोला है क्योंकि सच्चाई जो होती है ना पूरी स्टोरी नहीं बताते लोग छोटे छोटे हिस्से दिखा हाँ बस वही की आलिया भट्ट शर्मा जाएगी और रणबीर मनाएगा बस यही है हेड लाइन पंचलाइन ये ये कहना आसान है बट इट्स नॉट दैट इजी मैंने झेला है भाई मैंने एक एक दिन 2016, 17, 18 मैंने अपनी दुकान 18 के आसपास बंद की है जब मेरी ट्रेडिंग थोड़ी सी सुधरने लगी उस टाइम पे फिर जब मेरी जॉब लग गई थी ना तब भी मैं डेट में था और मेरी सैलरी आती थी एक लाख पाँच या एक लाख आठ हज़ार और उसमें से एटी फाइव थाउजेंड ई एम आई प्लस दस हज़ार रेंट और बाकी में मैंने डेढ़ साल काटे हैं सिर्फ दस हज़ार में बैंगलोर में मैंने डेढ़ साल काटे हैं स्कूटी मैंने खरीदी सेकेंड हैंड 2019 में खरीदी मैंने भी डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक चीज़ कहते हैं ना पैसा है लेकिन नहीं अभी नहीं हाँ। गलती नहीं करना है एकदम फूक फूक के कदम रखना है कॉन्फिडेंस रहेगा लेकिन गलती नहीं करनी फालतू के पैसे नहीं खर्च करने सबसे पहले जो लोगों के पैसे हैं दोस्तों ने जिन्होंने मदद की उनके पैसे दिए जो बेसिक नेसेसिटी थी ठीक है वो मैंने इंश्योर करी वो इंश्योर करी बेसिक नेसेसिटी मेरे लिए मेरा मैं चल चल के मेनी ऑफ पीपल डोन्ट नो मैंने क्रिकेट खेला है बैंगलोर से दो से लेके दो तक खेला है मैंने डिवीजन जो स्टेट लेवल होता हाँ। है बैंगलोर से कर्नाटका डिवीजन मैंने खेला है दो तीन क्लब से खेला है और बहुत सारे जो प्लेयर्स आप आईपीएल में देखते हो के राहुल करुण नायर मनीष पांडे के गौतम ये सारे हमारे साथ टूर्नामेंट खेलते थे वहां पे डिवीजन लेवल पे डिवीजन मतलब आप कह सकते हो स्टेट के अंदर जो टूर्नामेंट होते हैं इसको स्टेट लेवल कहते हैं और नेशनल लेवल होता है रणजी हाँ। तो इसका अगला लेवल है नेशनल तो यहाँ से जो बेस्ट प्लेयर होते थे डिवीजन के वो जाते रणजी के लिए तो उसमें मैंने खेला है काफी टूर्नामेंट और लेकिन फिर लास्ट में पैसे नहीं है हर चीज को चाहिए फंडिंग थोड़ी सी तो फिर छोड़ना पड़ा ये और लास्ट लास्ट में फुटबॉल खेलते हुए क्या वो मेरे इंजरी हो गई थी फुटबॉल भी मैं खेलता था तो इंजरी हो गई थी घुटने पे तो यहाँ पे लिगामेंट का कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो स्वेलिंग आ जाती थी और वो टाइम है जब मैं दुकान भी चला रहा था और दुकान जब चला रहा था तब मैंने फुटबॉल ऑलमोस्ट बंद कर दिया था लेकिन वो इंजरी के कारण इतना पेन होता था और गाड़ी थी नहीं वॉक बहुत करना पड़ता था बहुत वॉक करता था मैं मतलब दिन के आप मान लो दस पंद्रह हजार स्टेप नॉट बिकॉज मैं चाहता था हो मजबूरी में थी और घुटने में हो जाती थी सूजन ये घुटना मेरा यहाँ पर पूरी स्वेलिंग हो जाती थी फिर भी क्या करो रुक नहीं सकता काम करना ही पड़ेगा चॉइस नहीं थी चॉइस नहीं थी और मेरे पार्टनर के पास गाड़ी थी लेकिन कभी मिली कभी नहीं मिली नहीं मिली तो पैदल ही जा रहे हैं हाथ में लेके जा रहे हैं सामान वो हो जाता है कि रोज रोज कैसे मांगे वाला जो हो जाए कैसे है? मांगे किससे मांगे वो वही है ना हर जगह आपको अपना पुराना याद आता है कि यार मैं किस मुंह से मांगू ऑलरेडी मैं कुछ लोगों से पैसे लिया हुआ हूँ कैसे मैं और मांगू और घर पे मांग नहीं सकता बता नहीं सकता तो एक घुटन सी होती है बहुत सारे लोग ये मुझे मैसेज भी करते हैं सोशल मीडिया में कि मुझे बड़ी घुटन है सर मैं कर्ज में हूँ और लॉस हो चुका है घर पे बता नहीं सकता लेकिन मैं ये कहता हूँ कि घर पे नहीं बता सकते तो किसको बताओगे कभी ना कभी घर वालों से तो शेयर करना ही पड़ेगा क्योंकि शेयर करने से प्रॉब्लम कम होती है घर वाले गाली देंगे उल्टा पुलटा बोलेंगे दो दिन चार दिन बोलेंगे लेकिन उसके बाद घरी वाले हैं जो समझेंगे और कोई नहीं समझता बाहर वाले हंसते हैं बाहर वाले मजाक बनाएंगे हंसेंगे लेकिन घर वाले कभी मजाक नहीं बनाएंगे वो तुम्हें समझाएंगे, रोज़ डांटेंगे सह लो ना यार इतनी बड़ी गलती की है तो सह लो सहना पड़ेगा तो ये सब प्रॉब्लम जब बहुत बढ़ गई तो फिर धीरे धीरे घर वालों को दुकान का भी आइडिया लग गया किसी ने बता दिया कोई ना कोई तो लीक कर ही देता है बातें तो कहीं ना कहीं से लीक हो गई और फिर घर वालों ने खूब डांटा वाँटा उनको पता चला फिर उनको मैंने लॉस का बताया तो उन्हें लगा होगा दस पंद्रह लाख होगा लेकिन जब उन्हें जब तक में ये नंबर आया जब उन्हें पता चला मेरा टोटल लॉस स्टॉक मार्केट से हो गया था अप्रोक्सीमेटली फोर्टी लैक्स अरे और फोर्टी लैक्स लॉस नो सेविंग नथिंग नो जॉब ऑल्सो ठीक है जॉब तो उसके बाद लगी और अब क्या करें Hmm. क्योंकि क्या हुआ था कि जब बैंक में ई अब यार पैसे ही नहीं है चला लिया आठ महीने बिना जॉब वो भी ई खड़ी हुई है और खर्चे भी निकालने हैं दुकान भी पैसा दे नहीं रही है ले रही है hmm. मतलब वहां से कुछ नहीं आ रहा जो एक इकलौती आखिरी उम्मीद थी कि, कि कुछ शॉप से निकलेगा पैसा वो भी नहीं निकल रहा तो चीज़ें बहुत बिगड़ने लगी थी फिर उस टाइम पे संभालना मुश्किल हो गया चीज़ें पता चली घर पे और इतनी बुतनी बुरी हालत है मैं एक्चुअली मैं अपनी दुकान का खाना भी डिलीवर करता था मैं आस के जो घर थे कई लोगों क्योंकि हमको लगता था किसी तरीके से ये दुकान इतनी चलने लगे कि पैसे आए तो जो करना पड़ेगा करेंगे तो अब खाना डिलीवर करने के लिए एक आदमी रखेंगे दस हजार लेगा बारह हजार लेगा तो वो भी नहीं थे देने के पैसे खुद ही करेंगे तो मैं अपने पार्टनर को बोला ये काम मैं कर दूंगा तो दुकान देख के रख क्योंकि एक आदमी को वहां भी रहना पड़ता था हाँ तो पुलिस वाले खड़े हैं आ रहे हैं पैसा वसूली करने कहीं कोई आ रहा है कहीं नगर निगम वाला आके गाड़ी उठा ले गया कहीं हमारे स्टूल उठा ले गया कहीं कुछ उठा ले गया मैनेज करने के लिए वहां पे भी तो किसी को हाँ तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है तो हम मतलब चैन से जी नहीं पा रहे हैं और मरने की तो सोची ही नहीं कभी ये था कि फाइट मारना है तो लड़ते रहे लड़ते रहे फाइटर वाला पहले था से था पहले से ही था वो तो आर्मी में गई इसीलिए थे तो मुझे ऐसा लगा कि अब ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं घर पर फिर पता चला फिर घर वालों से मैंने कुछ हेल्प मांगी लेकिन घर वालों को प्रॉब्लम कभी पूरी नहीं शेयर की कितना है उनको दस पंद्रह का अंदाज़ा था दस पंद्रह ही बताया उन्हें कभी भी ये नहीं पता चला कि मेरा कर्जा कितना था जब तक पूरा पटा नहीं दिया जिस दिन मैंने पूरे लोन क्लोज कर दिए उस दिन उनको बताया कि इतना लोन था क्योंकि जब मैं बोलता था अरे इस महीने लोन दे दिया जब जब पैसे आने शुरू हुए ट्रेडिंग से तो लोन का मैंने पे करना शुरू किया तो बोले तुम कब से पे कर रहे हो तुम तो बोल रहे थे दस पंद्रह लाख ही है मैंने कहा नहीं नहीं थोड़ा ज्यादा था थोड़ा ज्यादा था थोड़ा ज्यादा जब पूरा पे हो गया उस दिन मैंने बताया घर पे कि इतना था और मैंने सारा चुका दिया वो भी ट्रेडिंग से चुकाया लॉस रिकवर कर लिया है और वो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए क्योंकि पॉइंट ये है कि आप मार्केट से लड़ोगे अपने आप से लड़ोगे घर वालों से लड़ोगे लड़ना बंद करना पड़ेगा आपको सोल्यूशन निकालने के लिए लड़ना बंद करना पड़ेगा तो मैंने सोल्यूशन यही निकाला कि पैसे की कीमत समझो जब मैंने वो दुकान की जब मैं खाना डिलीवर करता था हाथ में लेके मेरा एक समोसा हम लोग किसी से बनवाते थे बिहार के भैया थे डेढ़ किलोमीटर हमारी दुकान से उनका दुकान था तो मैं कार्टून में हाथ में पकड़ के डेढ़ किलोमीटर लेके जाता था समोसे अपने काउंटर में ताकि हम वहां बेच सकें रोज करता था उस सारी चीजें मेरे को ये चीज समझा दी कि भाई पैसा नहीं होता ना क्या क्या करना पड़ सकता है और स्पेशली वहां से कि आप एक टॉप देख चुके हो उसके बाद ये सब कुछ करना टॉप तो पड़ के बाद मतलब अच्छी लाइफ जीने के बाद जो ज्यादा इसलिए नहीं है कि लॉस हुआ है इसलिए है बोलते हैं गड़बड़ हो गया कुछ ऐसा हो गया मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि थी हुँ। ये आपका हाई था आप गिरे अब अगर आप उठोगे और इस हाई को तोड़ दोगे ना तो आप ऐसे इंसान बनोगे जो आपके मोहल्ले में आपके क्लासमेट में कोई नहीं होगा वो हाई को तोड़ना है जहां से गिरे थे और बिलीव मी कि ये गिरना ही आपको वो सिखा चुका है तैयार कर चुका है आपको आप तैयारी कर चुके हो जो वो गिरना था ना उसने आपको सिखा दिया मनी मैनेजमेंट उसने आपको सिखा दिया पैसे की वैल्यू उसने आपको सिखा दिया हम्बल रहना है उसने आपको सिखा दिया कि भाई ज्यादा उड़ना मत पैसे आने के बाद भी ठीक है मैं हर चौथे दिन प्रॉफिट का फोटो नहीं बनाता फिर अगले दिन लॉस आए तो चुपचाप बैठ जाऊं बहुत सारे लोग करते हैं सोशल मीडिया भरा है ऐसे लोगों से साल भर का पीएनएल नहीं डालेंगे एक एक दिन करके तीस दिन का डालेंगे और बोलेंगे देखो मैं कितना बड़ा चैंपियन हूँ उनकी मेन कमाई ट्रेडिंग से है ही नहीं उनकी ट्रेडिंग कमाई कहीं और से हो रही है मेन कमाई लेकिन दिखाएंगे ज्ञान ये वो रियल हसल और रियल ट्रेडिंग का ज्ञान टेक्निकल टेन परसेंट नाइन्टी परसेंट आपका बिहेवियर और वो स्टोरी के दौरान कैसे आपने अपने आप को संभाला क्योंकि लॉस होंगे आपको मार्केट धोखा देगा तो अचानक से लॉस होगा अचानक से आप प्रॉफिट आ जाओगे आपके अंदर बहुत इमोशनल फ्लिक्चुएशन होंगे प्रॉफिट हो तो क्या करना है लॉस हो तो क्या करना है लग रहा है ये ट्रेड गलत हो सकती है लेकिन गलत अभी नहीं हुई है क्या करें डर लग रहा है निकल जाए क्या हुँ, हुँ। लेकिन आधे से ज्यादा लोग देखेंगे जो होगा सही या गलत गलत हो गई तो रोने लगेंगे तो जब पहले वाला डिसीजन था वहां डिसीजन क्यों नहीं लिया निकल जाते हमें जो सिखाया जा रहा है ना स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाने से स्टॉप लॉस नहीं होगा तुम्हारे अंदर इतना भी कंट्रोल नहीं है कि अब तुम्हारा लॉस हो रहा है ये डिसीजन शायद गलत है मैं निकल जाता हूँ तो तुमने एक अस्त्र यूज किया जिसको कहते हैं स्टॉप लॉस जो कभी काम नहीं करता क्योंकि जहां भी स्टॉप लॉस लगाओगे दस पंद्रह परसेंट लगाओगे वो टच करके ऊपर चला जाता है क्योंकि सिस्टम में जो आपने डाल दिया तो सिस्टम किसका है आपका तो नहीं है ना सिस्टम तो बड़े प्लेयर भी जानते हैं क्या है तो वो कहीं ना कहीं से आपका स्टॉप लॉस काट ले। और कई लोग बोलते हैं कि जहां मैंने स्टॉप लॉस लगाया था वही, आके वही चला गया। गया। इतना मतलब इतनी एक्यूरेसी तो किसी और की नहीं हो सकती भगवान के अलावा

टोटल जो जिस तरीके से इसको बहुत गुणगान किया जाता है टोटली बकवास है सिंपल भाषा में समझो छोटा ई एम या दस का ई अगर बड़े ई एम ए ट्वेंटी यामे को काटेगा मोमेंटम अपने आप मार्केट पकड़ लेगा सिंपल लॉजिक है इसमें क्या स्ट्रैटेजी है आप आठ 18 कर दो बीस चालीस कर दो बाईस चवालीस कर दो कर दो ना जो स्टैंडर्ड है उसके एक पहले का ले लो एक तो इधर रहो या फिर उधर बीच में से करते हैं। लेकिन मैं आपको बता आप सारा कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो पांच पंद्रह पंद्रह पच्चीस सब ट्राई कर लो जहाँ भी क्रॉस होगा मोमेंटम मिलता है तो फिर काहे का ये स्ट्रेटेजी सीक्रेट स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है ये करके आप देख लो ना पैसे आप एक साल बाद नहीं बनाते मिलोगे लेकिन लेकिन उस स्ट्रेटजी के पीछे आप अपने आप को भूल जाते हो और अपने आप को बोलते हो मेरी गलतियां छोड़ो यार मैं तो यही करता रहूंगा ये स्ट्रेटजी मिल गई मेरे को अब मैं पैसा बना लूंगा तो जब ये मिल जाता है ना अस्त्र तो इस इंसान को देखना भूल जाते हो जो सबसे बड़ा आपके कल्परेट है सबसे बड़ा जिम्मेदार है आपके लॉसेज में और मेरा कहना लोसे? हमेशा रहता है कि इस पर फोकस करो ये सबको पता है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कोई सीक्रेट सीखे जो चीज सबको पता है उससे पैसा उससे अगर पैसा बनने पैसा क्योंकि कर रहे है जो हमेशा से यही आइडिया रहा है इसीलिए मेरे जो व्यूज रहते हैं वो टोटली अपोजिट होते हैं और कई लोग उसको बहुत हजम नहीं कर पाते हैं लेकिन मेरे व्यूज देर सवे सही होते हैं तो लोग बोलते हैं यार कैसे पता था इसका माना नहीं मैंने बहुत बुरा मार्केट गिरा यार मैं फंस किया बाद में पछताते हैं क्यों क्योंकि चीजें थोड़ी लेट रिएक्ट कर सकती हैं लेकिन गलत नहीं गलत नहीं है तुम टॉप का दो परसेंट छोड़ दो ना यार नहीं मैं तो टॉप पकड़ूंगा जो टॉप नहीं छोड़ पाता ना वो बॉटम पे ही निकलता है